इस वीडियो में हम बात करेंगे रोहतांग दर्रा ट्रिप के बारे में। रोहतांग पास हिमालय में स्थित एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है, जो कि कुल्लू मनाली की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जगहों में से एक है। इसे लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। रोहतांग दर्रा 13,058 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा मनाली से 51 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रोहतांग दर्रे को लाशों की जमीन के नाम से भी जाना जाता है। रोहतांग दर्रा जून से अगस्त तक खुला रहता है, बाकी मंथ्स में यह दर्रा स्नोफॉल की वजह से बंद रहता है। इस दौरान यहां भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। जुलाई अगस्त में भूस्खलन के कारण रोहतांग दर्रा बंद हो जाता है, फिर यह मानसून खत्म होने के बाद ओपन रहता है। रोहतांग दर्रा कुल्लू मनाली का सबसे हाईएस्ट पास है। अगर आप मनाली से रोहतांग को जाते हैं तो सुबह जल्दी निकले, क्योंकि सैकड़ों स्थानीय कैब पर्यटकों को लेकर जाते हैं, जिसके कारण दर्रे में ट्रैफिक जाम लग जाता है और कई बार यात्रियों को मुख्य स्थान पर पैदल चलना पड़ता है। रोहतांग पास पहुंचने के लिए आप मनाली से टैक्सी बुक कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से रोहतांग पास ट्रिप पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको दिल्ली से मनाली जाना होगा, जहां से रोहतांग पास की दूरी अराउंड 51 किलोमीटर की है। दिल्ली से आप बस द्वारा डायरेक्ट मनाली पहुंच सकते हैं। रोहतांग दर्रे से ही व्यास नदी का उद्गम हुआ है। रोहतांग दर्रे के दक्षिण में व्यास कुंड बना हुआ है। कहा जाता है कि पौराणिक ग्रंथ महाभारत लिखने वाले महर्षि वेद व्यास जी ने यहाँ तपस्या की थी। उनकी स्मृति में यहाँ व्यास मंदिर भी बना हुआ है। रोहतांग दर्रा से हिमालय पर्वत श्रृंखला और मनोरम दृश्य देखने को मिलते हैं। एडवेंचर पसंद पर्यटकों के लिए यह खास डेस्टिनेशन है, क्योंकि यहाँ बर्फ पर स्कीइंग और ट्रैकिंग जैसी एक्टिविटीज करने को मिलती है। रोहतांग पास में पर्यटकों के लिए रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप मनाली से रोहतांग मॉर्निंग को जाके शाम के टाइम मनाली वापस आ सकते हैं। अगर आप रोहतांग नहीं आए हैं तो एक बार रोहतांग पास जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि आपको वहां बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा।